लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने गुरुवार को पार्टी में 34.24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा विगत वर्ष प्रदेश भर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए प्रत्येक जिले में सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की, जाकर स्कूल प्रारंभ भी किए गए। अब उसकी अगली कड़ी में नवीन स्कूल भवनों का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित होकर बजट में राशि का आवंटन कर जिले के चिन्हित स्थानों पर सीएम राइज स्कूलों के भवनों के निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सांसद द्वारा ग्राम भीलखेड़ा में सामुदायिक भवन, कुकरा बसाहट, राजघाट में सामुदायिक भवन, बड़गांव रेवेन्यू में सामुदायिक भवन, बंधान में सामुदायिक भवन, ग्राम आमलियापानी में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, ग्राम बड्ढवानी खुर्द में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, बोमिया में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, पालिया में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, ग्राम सोंदूल के अवलदा राम मंदिर के पास सामुदायिक भवन के निर्माण का भूमि पूजन तथा भवती में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन व ग्राम अंजराड़ा पाटी विकास खंड में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया। वही सांसद पटेल को खरगोन बड्ढवानी लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर पाटी धनगर समाज, भावसार समाज, वर्मा समाज व राठौड़ समाज के समाजजनों ने प्रथम नगर आगमन पर स्वागत किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनीष भावसार, भाजपा वरिष्ठ नेता संतोष पाटीदार, लखन भावसार, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष दिलू मालविया, जितेंद्र सोनी, बाबूलाल वर्मा, जनपद सदस्य मनोज डांगी, जनपद उपाध्यक्ष रणजीत वासकेल, जिला पंचायत सदस्य बर्मा सोलंकी, विनोद पाटिल, संजू वर्मा, सेलू परमार, राय सिंह बर्डे, राहुल धनगर, दीपक मालविया, राजेश अलावे, देवराम चौहान, जयंती राठौड़, भादा जमरे, राजेश अलावे सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मैं बड़वानी विधानसभा के पार्टी में हूं। मेरे साथ हमारे राज्यसभा के सांसद मेरे बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी हैं, वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष जी हैं, दिलू भाई हैं, वर्मा सोलंकी जी हैं, हमारे सोनी जी हैं, सर तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। आज पार्टी में सीएम राइज स्कूल के निर्माण का भूमि पूजन का ये आयोजन था जो 34 करोड़ से भी ज़्यादा की निधि से निर्मित होने वाला है। ये स्कूल भवन में हमारे बच्चों के लिए व्यवस्थित हमारे कमरे बनने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन प्रणाली के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं, नई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनने वाली हैं, खेल का मैदान इसमें निर्मित होने वाला है, तमाम प्रकार के खेल भी इसमें खेले जा सकते हैं। एक पार्टी इस स्थान पर जो जनजाति बाहुल्य स्थान है यहाँ पर एक अच्छा सुसज्जित एक विद्यालय का निर्माण होने वाला है। मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी के सपनों के आधार पर हमारे इस पार्टी ब्लॉक के आदिवासी बालक और बालिकाओं के लिए एक विद्यालय जिसमें सभी व्यवस्थाएं रहेगी, एक अच्छा विद्यालय बनने वाला है जो करीब 1.5 साल में निर्मित होगा। उसके भूमि पूजन के आयोजन पर हम उपस्थित हैं। मैं इस पार्टी ब्लॉक के समस्त हमारे बच्चों को और यहाँ के पालकों को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 1.5 साल बाद ये भवन बनकर तैयार होगा जहाँ पर हमको नई शिक्षा पद्धति के अनुसार हमारे बच्चों को शिक्षा अर्जन करने का हमको ये स्थान मिलेगा।